गुजरात में दलित बेटी ने रचा इतिहास। हाथी पर बैठकर पूरा किया पिता का सपना। जातिवादियों के घमंड को हाथी के पैर से कुचला। ये तस्वीरें छाती चौड़ी कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें जोश से भर देने वाली हैं, और ये तस्वीरें मनुवादियों के घमंड को हाथी के पैर से कुचलने वाली हैं। जो जातिवादी दलितों के घोड़ी चढ़ने से रोने लगते हैं, वो ये तस्वीरें देखकर जल भुन जाएंगे। ये तस्वीरें उन घटिया मानसिकता वाले जातिवादी गुंडों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझते हैं। गुजरात से आई इन तस्वीरों ने दलितों के प्रतिकार की ऐसी नजीर पेश की है, जिसने जातिवाद की चूल हिला दी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लिए ये नई नवेली दुल्हन हमारे पुरखों के संघर्ष की भी याद दिलाती है। गुजरात के नाटू परमार सालों पहले अपना एक सपना पूरा नहीं कर पाए थे। ये सपना था अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़कर घुड़चढ़ी करने का। गांव में जातिवादी गुंडों के विरोध की वजह से, डर की वजह से वो घोड़ी नहीं चढ़ पाए और बारात नहीं निकल पाई। लेकिन सालों बाद उनकी अपनी बेटी ने शादी के एक दिन पहले हाथी पर चढ़कर पूरे गांव में बारात निकाली तो जातिवादियों के होश उड़ गए। जिन जातिवादियों ने कभी नाटू परमार को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया था, उनकी बेटी भारती ने हाथी पर चढ़कर ना सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे दलित समाज को स्वाभिमान से जीने की राह भी दिखाई। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के सुरेंद्र नगर इलाके में रहने वाले नाटू परमार ने कहा, घोड़ी चढ़ने को लेकर आज भी लगभग हर महीने कई FIR दर्ज होती हैं। आप दो दशक पहले के माहौल का अंदाजा लगाइए। जातिवादियों की डर की वजह से मुझे मेरे बड़ों ने बारात निकालने से मना कर दिया और मैं आधे अधूरे मन से ही राजी हो गया। लेकिन मैंने तब फैसला किया था कि मेरे बच्चों को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। नाटू ने बताया कि हाथी को अहमदाबाद से लाया गया था, उसे रंग बिरंगा सजाया गया। हाथी के ऊपर दो बड़े बड़े बैनर टांगे गए, जिसमें लिखा गया कि बेटियों को शिक्षित करो, अपनी बेटियों को अधिकार दो, और साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई थी। ढोल और DJ के साथ पूरे इलाके में बेटी की बारात निकली तो जातिवादियों के सीने पर सांप लौटने लगे। उन्हें करारा जवाब दिया गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। भारती की ससुराल वाले भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। नाटू ने कहा कि हम विरोध या प्रतिरोध से नहीं डरते, चूंकि हम एक हाथी का उपयोग कर रहे थे इसलिए पुलिस की अनुमति जरूरी थी, लेकिन घटना को लेकर पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं की गई थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस वाले बारात की रक्षा करने के लिए नहीं आए। मैं अपने साथी दलित परिवारों से भी कहना चाहता हूं कि डरो मत, हम सभी समान हैं और हमारी रक्षा के लिए कानून है। अगर हम आजादी के 75 साल बाद भी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, तो हम अपने अधिकारों का दावा कब करेंगे। सोशल मीडिया पर नाटू परमार और उनकी बेटी भारती का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं, ये हुई ना बात, घोड़ी को अपनी जागीर समझने वाले जातिवादी गुंडों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।